रंगीला रसिया मेरा जवाई पता नहीं क्या शिकायत करने को मुझे बुलाया है। अरे जमाई राजा जी सासू माँ जरा खुले पैसे तो लाना, बाहर ऑटो वाला खड़ा है, जरा उसको खुले पैसे 300 रुपया देना। अरे अम्मा जमाइयों के घर का खाना उनसे ऑटो के पैसे दिलवाना तुम्हारा खानदानी रोग है पुराना। अरे नाश पीटे मोदी जी ने तो मेरा ये बहाना और भी चला दिया, पहले 1000 के कुल्ले मांगती थी अब तो 2000 का थमा दिया। अरे कंजूस अम्मा जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार तो जब तू आई थी तो मिठाई का डब्बा भी लाई थी। अरे नाश पीटे वो तो मेरी पड़ोसन ने अपनी बेटी के लिए भिजवाई थी, और अगर तू मुझे और 4 दिन बाद बुलवाता तो लड्डू का डिब्बा ले आती, क्योंकि पड़ोस में एक बुढ़िया मर गई थी उसका चौथा हो जाता और लड्डू 7 बार लाती। अरे अम्मा तेरी बेटी मेरा कहना बिल्कुल नहीं मानती है, और अगर मैं कुछ कह दूं तो मुझ पे बेलन तानती है। अरे नाश पीटे इन सबको यही बात तो खलती है, पर सबसे पूछ के देख ले हिंदुस्तान में गृहस्थी ऐसे ही चलती है। लेकिन अम्मा तेरी बेटी मुझे खून के आंसू रुलाती है, मुझसे सारा काम कराती है, सारी तनख्वाह भी छीन लेती है, रोब भी जमाती है। बेटी वही करती है जो मायके में अपनी माँ से सीख के आती है। अरे अम्मा लेकिन अम्मा एक बात बता, तेरी बेटी ने मेरा जीना हराम कर रखा है, है? और सारा उल्टा काम कर रखा है। हाँ। सारा दिन मुझे रुलाती है सताती है, अपने बर्थडे पे 4-4 साड़ियाँ और मेरे बर्थडे पे अंडरवियर तक नहीं दिलवाती है। अरे नाश बेटे चल आज ही अम्मा अपना खानदानी दिल दिखाती है, और चल तेरे बर्थडे का गिफ्ट तुझे एक लॉलीपॉप आज बाजार से दिलवाती है। अरे अम्मा गिफ्ट रहने दे, अपनी बेटी को समझा मुझसे प्यार से पेश आए, खिलौने की तरह ना खेले। ज्यादा छोड़ो मधुबन तू तो गिफ्ट ही ले ले। अरे अम्मा तेरी बेटी मुझे घर का बच्चों को खाना तक नहीं खिलाती है, जब मर्जी जहाँ मर्जी चली जाती है। ऐसी बातों से क्या घबराना, मुझे तो याद आ गया मेरी माँ से भी शिकायत किया करते थे तेरे बच्चों के नाना। अरे बच्चों की नानी जरा सुनाओ तो नाना के मरने की कहानी। आए हाय वो तो हमें मुई कविता के कीटाणु मार गए, एक दिन गुस्से में इतनी लंबी कविता सुना दी तेरे ससुर जी स्वर्ग से डाल गए। अम्मा मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, लंबी कविता सुनने से जान कैसे जाती है। नाश्पीटे इतनी सी बात समझ नहीं आती है, सब वाला कभी हो तो मर नहीं जाएगा जब उसकी बारी नहीं आती है। अरे अम्मा तू तो जानती है बेटी की तरह तुक से तुक बिड़ाना। ये तो हमारा खानदानी रोग है पुतना। पर अम्मा एक बात बता, मुझे पता है तूने जवानी में बड़ी मेहनत करी है और बच्चे पालने के लिए तू रात रात भर जगी है। हाँ, सच कहता है बेटा। ए नाचते हम जवानी में बड़ी मेहनत किया करते थे, पूरे मोहल्ले पे नजर रखते थे, जब भी किसी घर में कोई मेहमान आता था हमारा पूरा परिवार बच्चों समेत खाना खाने उनके घर घुस जाता था। लेकिन अम्मा एक बात बता, जब तुम्हारे पड़ोस में मेहमान नहीं आता था उस दिन क्या खाना घर में बनाया जाता था? अरे नाश पीटे ये वृंदावन के मंदिरों का भंडारा किस दिन काम आता था? अम्मा खाना तो ठीक है लेकिन इतनी महंगाई में बच्चों को कपड़े कैसे दिलवाते थे और बच्चे अपना काम कैसे चलाते थे? ए नाश पीटे कपड़ों की तो हमने चिंता ही नहीं की, हमारे तो रिश्तेदार भी हमसे ही मांग मांग कर ले जाते थे। जानते हमारी झुग्गी ऊंची बिल्डिंग के नीचे थी, हमारी छत पर तो उड़ उड़ के ही आ जाते थे। अरे अम्मा खाना और कपड़े तो ठीक है लेकिन क्या आप छुट्टियों में बच्चों को कहीं घुमाने नहीं ले जाते थे और उनका दिल कैसे बहलाते थे? आए हाय नाश पीटे हम तो अपने बच्चों को खूब घुमाते थे और उनको एसी रूम में सुलाते थे। पर अम्मा एसी के पैसे कहाँ से आते थे? एक बेवकूफ नाश पीटे हम तो उनको 50 पैसे का प्लेटफॉर्म टिकट लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म में घुस जाते थे और वेटिंग रूम में सुलाते थे। अरे अम्मा तूने तो अपनी बेटी से भी ज्यादा कर दी पिटाई। अरे शुक्र कर अभी तक डंडी नहीं उठाई। अरे अम्मा ये कंधा तो सीख गया, अब इधर आ जाऊं ये कंधा भी सीख जाएगा। ए नाश पीटे इधर ही आ जा, अभी तो उल्टे हाथ की खाएगा तो फिर सीधे की खाएगा। हे भगवान एक तो ये अम्मा मेरी जान खा रही है ऊपर से बल्लो भी नहीं आ रही है। आए हाय जब तक तो बल्लो का नहीं
दे तो खिला दे मुझको खाना। पर माँ अभी तो खिलाया था जब मैंने बाजार से क्रेडिट कार्ड से मंगाया था। आए हाय नाशपीते, हम बड़े खानदानी है, हम तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ दो बार खा के आते हैं, घर आके रात को नहीं बनाते हैं। अरे अम्मा क्यों मेरा दिमाग खाली है, अरे इधर से देख रहा हूँ कि बल्लो भी नहीं आ रही है। ए नाशपीते इतना भी नहीं समझता, ये अम्मा जाएगी तभी तो बल्लो आएगी। अच्छा सुन, हाँ तुम सोच रहे होगे कि जमाई के हाथ पे नेग नहीं दिया, तो भाई देखो बुजुर्गों ने कहा है कि माया तो आनी जानी है, इसलिए माया नहीं दे रही, वरना तुम तो जानते हो अम्मा कितनी खानदानी है। एक वक्त के नाश्ते में 20 पराठे, दूध, सब्जी, फल, सच में सासू क्या है, खाने की खान है, बेटी दान की इसलिए दानी है। हाँ ये अम्मा तो सचमुच खानदानी है, ये अम्मा तो सचमुच खानदानी है, ये अम्मा तो सचमुच खानदानी है। बहुत आपका आभार। और मित्रों हास्य की बात करते हैं, 5 मिनट और आपका मैं लेना चाहता हूँ। मित्रों हम हास्य की बात करते हैं, कवि देखो लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं, कवियों को बहुत लंबी छोड़ने की आदत होती है। एक कवि को बहुत लंबी छोड़ने की आदत थी, मैंने कहा भैया तो बहुत लंबी छोड़ते, थोड़ी कम छोड़ा कर। बोला रसिक भाई मुझे पता